कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है वो ये है कि हम कंडे आए हुए हैं। कंडे के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है एप्रिकोट वाले वीडियो में कि कंडे किसे कहा जाता है। तो आज कंडे हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमारे जो पानी का टर्न है, सिंचाई के लिए जो हम पानी करते हैं, ले जाते हैं खेतों में, सिंचाई किस तरीके से करते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज अपने इस व्लॉग में दूंगी। और यहाँ पे जो जो वाइल्ड फ्लावर्स मिलते हैं तरह तरह के, इतने खूबसूरत खूबसूरत, वो सारे फ्लावर्स मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। चार पांच दिन हम यहीं हैं कंडे में क्योंकि चार पांच दिन हमारा पानी का पाला है। पाला मीन्स टर्न एंड ती मीन्स पानी, तो ती पाला है हमारा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस व्लॉग में दूँगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, तो घर पहुँच चुके हैं। ये कंडे वाला घर तो आप लोगों ने पहले भी देख चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आजकल वैसे ही फ्लावर्स हैं। यहाँ देखिए कुछ फ्लावर्स खिले हैं, कुछ खिल रहे हैं। तो गाइज़ ये सामने है हमारे चेरी का पेड़, तो अभी थोड़े बहुत चेरी लगे हुए हैं, इसमें ख़त्म हो चुके हैं, अभी इतना है नहीं। अच्छा, यहाँ से नीचे एक और पेड़ है चेरी का, तो आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, वाह कितने खूबसूरत चेरी लगे हुए हैं। तो गाइज़ अभी हम पानी लेने के लिए जा रहे हैं। हम पानी कहाँ से लाते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ से कि कितनी दूरी पे है। तो ये देख सकते हैं, हमें वहाँ उस जंगल के पास जाना है पानी लेने के लिए। तो चलिए फिर। तो गाइज़ रास्तों में इस तरीके से कूल देखते जाना पड़ता है कि, और अच्छे से जहाँ अच्छे से ना बनी हो कूल वगैरह, उसको दोबारा से अच्छे से बनाना पड़ता है ताकि पानी खेत तक अच्छे से पहुंच जाए। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं जहां से हम पानी लेते हैं। तो ये यहां जो जगह है वो यहां पर नागिन जी के मंदिर है। नागिन जी का ही पानी है, बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये सब कुछ, यहां पे नागिन जी का ही है। तो पानी इतना साफ़ है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा आपको सब कुछ। और इतना ठंडा, ऐसा लगेगा जैसे फ्रीज़र से मतलब बहता हुआ आ रहा हो, इतना ठंडा पानी। और यहाँ जो ये नागिन जी का मंदिर है, यहाँ पर साल में दो बार पूजा होती है। तो अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस सबसे पहले आप मंदिर देख लीजिए, ये यहाँ पर है और एक यहाँ से अंदर भी है, तो ऐसे हर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे आप लोगों को फ्लावर्स दिखेंगे, खूबसूरत से फ्लावर्स हैं, और ये सारे वाइल्ड फ्लावर्स हैं, वाइल्ड रोज़ है। और मंदिर यहाँ पर है, और जो मेन पानी जहाँ से निकलता है वो यहाँ से। तो यहाँ की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो पानी है ज़मीन के अंदर से निकलता है, कोई झरना नहीं बह रहा यहाँ से। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ऊपर कोई झरना नहीं बह रहा है। तो ये ज़मीन के अंदर से निकलता है ये पानी, तो यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैलाता इस पानी में, ना ही कोई कुछ गंदगी करता है। ये नागिन जी का है। तो ये इस पानी से जो हमारा कंडा है, पूरे कंडा फैला हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से फैला है, अगर पॉसिबल हो सके, मतलब कितना यहाँ पे खेत है, ज़मीन है लोगों की। तो सर इसी से ही सिंचाई का पानी होता है और सबको पूरा हो जाता है। तो ये देखिए कितना साफ पानी है, ये देखिए अंदर अंदर तक पत्थर नज़र आ रहे हैं, और इस पानी में कोई गंदा नहीं करता, इस पानी को कोई गंदगी नहीं डालता, बिल्कुल साफ पानी है और इतना ठंडा, चिल्ड। तो गाइस मेरा ये सब बताने का एक पर्पस ये भी था, अगर आप लोग पहाड़ों में आते हो घूमने के लिए, टूरिस्ट खास करके आप लोग घूमने आ रहे हो, और आप लोगों को यहाँ पे जो गुप्त देवी देवताएं हैं उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, एक बार आप लोग उस गांव वालों से एक बार अच्छे से कंफर्म करिए कि कैसे जाना है, कहाँ कुछ शोर नहीं मचाना है, कहीं गंदगी नहीं फैलाना है, कहाँ कहाँ पूरे अच्छे से कंफर्म करिए फिर घूमने जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और जो हमारे यहाँ पर गुप्त देवी देवता है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अच्छे से रूल फॉलो करके घूम रहे हो। तो इतनी उम्मीद तो हम लोग भी कर सकते हैं कि आप लोग किन्नौर आके इतना कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग आके यहाँ पे गंदगी फैला रहे हो, कहीं भी जा रहे हो
जहाँ जहाँ मतलब इतना स्वच्छ और इतना प्योर जगह है, पवित्र जगह है, वहाँ जाके इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग घूमने आए तो आप लोग गांव वालों से अच्छे से बात करके कहाँ क्या है, कैसा है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पे जा नहीं सकते, वो सारी चीज़ें पूछ के आप लोग घूमने आए। तो यही पर्पस था मेरा। बाकी हम लोग यहीं से सिंचाई का पानी ले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा पानी और बहुत ही ज़्यादा मीठा और बिल्कुल नहीं बताओ क्या बोल रहे थे। जब हम ऊपर से पानी लेके आते हैं तो जगह जगह में हमने चैम्बर बनाया हुआ है, चैम्बर उस हिसाब से बनाते हैं। यहाँ देखो छे तीन जगह है, और जब नीचे को पानी इस छेद से पानी ले जाते हैं तो नीचे खेतों में सिंचाई होती है, और इस छेद में पानी ले जाते हैं तो इधर साइड से खेतों में सिंचाई होती है, और इधर साइड पानी ले जाए तो इधर खेतों में सिंचाई होती है। अच्छा, तो इस तरीके से पानी बांटते हैं। अच्छा, हमारे को पानी लगाने को बहुत दिक्कत होती है, और पानी भी बहुत ठंडा है। गर्मियों में आजकल घास भी बहुत लंबे लंबे हैं, घासों में पटकते गिरते पानी लगाते हैं, हमारा बहुत। तो गाइस, इसमें लगाया हुआ है आलू, आलू में अभी सिंचाई। गाइज, अब मैं आप लोगों को जो वाइल्ड फ्लावर्स है वो सारी दिखाऊंगी, और हमने क्या क्या बीजा हुआ है यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। सबसे पहले अब हम वाइल्ड फ्लावर्स की तरफ चलते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखिए मेरे पीछे येलो फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से यहाँ पे वाइट, येलो, पर्पल, पिंक, बहुत खूबसूरत है। तो फिर चलिए। Thank you.
ये जो आप लोगों को ये बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं, ये वाले घास को हमारे किन्नौर में पोराल बोलते हैं। और ये गाय के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, दूध के लिए। तो यहाँ से आगे तक देखिए, यही है। इसे काट कर सुखाते हैं ताकि सर्दियों में दे सके। ये इससे गाय दूध बहुत ज़्यादा देती है, इसे हमारी बोली में पोराल बोलते हैं। तो किन्नौर में और कौन कौन सी जगह पाया जाता है, किन्नौर वाले ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों के वहाँ पे ये पोराल मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं जिस पोराल वाले घास की बात कर रही थी कि उसे काट कर हम सुखा कर सर्दियों के लिए गाय के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ काट कर सुखा दिया है। ये रहे पोराल, जो कि गाय के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, दूध बहुत अच्छा देती है गाय ये खाने के बाद। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सूखने के लिए डाल दिया है। अभी मैं जा रही हूँ धनिया लेने। यहाँ पर कंडे में भी धनिया लगाया हुआ है हमने। धनिया की मैं चटनी बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले धनिया लेने चलते हैं खेतों में। मैंने सोचा आपको भी ले चलूँ। सनसेट होना शुरू हो गया है, सनसेट हो रहा है। सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है जब यहाँ सनसेट हो रहा है। तो उस पहाड़ी के पीछे चलो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि कैसा है, ये देखिए। तो हम अब धनिया वाले खेत में पहुँच चुके हैं। बीच बीच में लहसुन लगाया हुआ है, देख ये देखिए। और ये रहे फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कंडे में आप कुछ भी फसल लगाओ, कोई भी फसल लगाओ, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर और बड़े बड़े बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक है, हर चीज़ बिल्कुल प्रकृति के साथ, नेचर के साथ है। अब गांव में तो ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा हो ही जाता है, थोड़ा सा शहरीपन आ ही जाता है लिटिल बिट, बट जो ये कंडे होता है ये उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अछूता है और हमेशा ऐसे ही रहे। कोशिश करेंगे हम कि ये ऐसे ही रहे। तो यहाँ पे आप कुछ भी उगा लो। अब ये लहसुन है, कंडे वाले लहसुन इतने बड़े बड़े होते हैं, और मतलब आप इतने गुच्छे में से एक निकाल के खाने में डाल दिए ना, मतलब एक बारी में एक ही, मतलब एक गुच्छे से अगर आप एक ही डालोगे तो वो काफ़ी रहता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डालना पड़े आप लोगों को ज़्यादा। तो इस तरीके से है कि कंडे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्या ही बताऊँ मैं अब आप लोगों को। चटनी बनाने के लिए थोड़े से प्याज, रेड चिली, और ये है एप्रिकोट। ड्राई एप्रिकोट को मैंने गर्म पानी में लगा के फिर नरम सॉफ्ट कर दिया था। जो हमारा किन्नौरी चटनी बनता है उसमें हम ड्राई एप्रिकोट, या अभी जो सीज़न चल रहा है एप्रिकोट का, तो वो कच्चे वाले एप्रिकोट भी यूज़ करते हैं। और ये रही हमारी धनिया। तो दोस्तों, अब हम लगाएंगे ड्राई एप्रिकोट। मीठे वाले नहीं, खट्टे वाले एप्रिकोट यूज़ किया जाता है। लेमन की जगह हम ये प्रेफर करते हैं यूज़ करना। तो गाइज, चटनी बिल्कुल तैयार है, लजीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चटनी बिल्कुल तैयार है,
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कईयों को कि पसंद ना भी आए, बट टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। अगर इसमें ड्राई फ्रूट्स हम यूज़ करते तो और ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि हमारे किन्नौर में चटनी में ड्राई फ्रूट्स तो यूज़ करते ही करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, चलो उसके बगैर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाकी हमने बनाने से पहले सब चीज़ों को अच्छे से वॉश किया था, तो उसके बाद जाके हमने बनाया। क्योंकि कई लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग ने वॉश किया नहीं, ऐसे ही बना दिया ये वो, तो वो सब कुछ हम पहले वॉश करके अच्छे से बनाते हैं। मतलब सदियों से करते हैं आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो हमें पता है कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये चटनी तैयार हो गया है, आप लोग भी कर घरों में तैयार कर सकते हैं ऐसी वाली चटनी। एप्रिकोट्स यहाँ पर हमने राजमा भी बीजा है। राजमा हम यहाँ पे लाल और पीला राजमा बीजते हैं, और भी तरह तरह के राजमा बीजते हैं, तो मेन यहाँ पर यही राजमा बीजा जाता है। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लगाई हुई है, टमाटर गोभी, ताकि हम जब बीच बीच में काम करने आए तो हमें खाने के लिए मिले। तो इस तरीके से हम यहाँ लगा कर रखते हैं, ये थोड़ा बहुत सिर्फ किचन गार्डन लाइक। यहाँ पर हमने मटर भी डाले हैं, मटर टू वैरायटीज़ के डाले हैं, लोकल और पेंसिल मटर। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लावर खिल रहा है मटर का, पिंक और ये वाइट। तो ये सारा खेत मटर वाला ही है, अभी फ्लावर खिल रहे हैं, फिर जाके मटर तैयार होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब अब हम आएंगे तो यहाँ पर मटर तैयार होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जब हम लोगों ने इस व्लॉग में देखा कि हम किस तरीके से सिंचाई करते हैं खेतों में, और जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था कि जैसे बिजाई से पहले जो पानी लगाते हैं उसे पोती कहते हैं, और बिजाई के बाद जो फर्स्ट पानी लगाया जाता है उसे मंती कहते हैं, और उसके बाद लगाए जाने वाले पानी को हस्ती कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी बोली में ऐसे नाम रखा गया हुआ है। और प्रीवियस वीडियो में कुछ कमेंट्स थे कि सेव वाटर, आप लोग कैसे पानी का सिंचाई कर रहे हो, पानी सेव करो ये वो। तो मतलब आप लोग शहरों में रहते हो और इस तरीके से बात करते हो, तो मुझे थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि हम सालों से करते आ रहे हैं ये चीज़, हमें पता है कि हम किस तरीके से पानी यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, और ये पानी पहाड़ों से गिरकर सतलुज की ओर जाता है, तो हम खेतों को सिंचाई करते हैं, और वैसे भी तो जाना तो सतलुज में ही है इस पानी ने, तो हम खेतों में लगा लेते हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें कि हम लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं या पानी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सालों से करते आ रहे हैं, हम तो किसान हैं और हमें तो पता है कि हमें कैसे यूज़ करना है। मतलब आप लोग शहरों में रह कर इस तरीके से हम कमेंट करते हो तो दुख तो होता ही है, एक फार्मर के लिए ये सारी चीज़ें तो दुखदायी रहती है कि आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हो कि हम जैसे कि प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं। तो आप लोग खुद लोग बताइए कि हमारे रहते रहते प्रकृति है कि हम जो गांव वाले हैं हम ख़राब करते हैं प्रकृति को। तो इस तरीके से कमेंट थोड़ा सा हो जाता है, बुरा लगता है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग जानने की इच्छुक है कि पानी कहाँ से आता है और आप लोग किस तरीके से सिंचाई करते हैं, तो मैं क्यों बताऊँगी नहीं आप लोगों को, मैं तो बहुत अच्छे से बताऊँगी आप लोगों को अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हो तो। पर अपने तरफ से इस तरीके से अज्यूम करके आप लोग कि ये तो पानी वेस्ट कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, मतलब ऐसी बातें करना तो अच्छा नहीं रहता। और आप लोगों ने देखा कि वाइल्ड फ्लावर्स कितने तरह तरह के, कुछ के नाम मैं भूल, मतलब सर्च किया मैंने काफ़ी पर मुझे मिला नहीं। अगर आप लोगों को मिलता है एक दो जो फ्लावर्स हैं जिनके नाम मुझे नहीं मिले, अगर आप लोगों को पता है कि उसका नाम क्या है, अगर या आप लोगों को इंटरनेट पर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना वो नाम। और धनिया की हरी हरी चटनी तो आप लोगों ने देख ही ली किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। और ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।